हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 5 और क्लास 6 के आर एस अग्रवाल की जो बुक है उसका सलूशन करेंगे। और चैप्टर 1 चैप्टर 2 हमने दे रखा है, तो चैप्टर आज फ्रैक्शन जो है हमारा, फ्रैक्शन ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे अपने पूरे सेशन में। तो आज यहाँ पे 5.1 या फिर 5.1 बोला जाए या फिर 5A बोला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो 5A है और सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, और अभी क्लास में हम डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चंस को। तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ गाइस, एंड जो भी जिस टाइम देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी होगा। चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सर फ्रैक्शन है क्या। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हमने बोला सर हमें पढ़ना है फ्रैक्शन, क्या पढ़ना है हमें फ्रैक्शन, तो हमें जानना पड़ेगा ना आखिर सर ये आखिर सर फ्रैक्शन है क्या। ठीक, व्हाट इज़ फ्रैक्शन, व्हाट इज़ फ्रैक्शन। ठीक है, तो बच्चों आप देखो थोड़ा बहुत आइडिया तो उस फ्रैक्शन के बारे में आपको होगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में आपको फ्रैक्शन पढ़ाया हुआ है कि फ्रैक्शन क्या होता है, इसके कितने टर्म्स होते हैं, लाइक अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई है। बस यहाँ पे देखिएगा, सिंपल सी बात बताओ, जैसे मान लो ये एक पिज़्ज़ा है, जैसा आई जनरली मैं यही एग्जांपल देता हूँ क्योंकि बच्चों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद होता है ना। ये पिज़्ज़ा है और इस पिज़्ज़ा को मैंने 20 से, अभी देखो ये पूरा एक पिज़्ज़ा है तो मैं बोलूँगा ये पूरा एक पिज़्ज़ा है, लेकिन इस पिज़्ज़ा को मैं अगर 20 से ऐसे डिवाइड कर दूँ, ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये पिज़्ज़ा कैसे हो गया, ये पिज़्ज़ा दो पार्ट में बढ़ गया, एक ऊपर वाला पार्ट ये हो गया और नीचे वाला पार्ट बेटा ये हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1/2 हो गया, और ये कितना हो गया, ये भी आपका 1/2 हो गया। तो देखो पिज़्ज़ा आपका ये भी आधा और ये भी आधा, दोनों आधा आधा हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल दोनों हमारे आधा आधा हो गए। ठीक, अब जैसे मान लो इसका भी हम इसको 20 से डिवाइड करें, तो जब इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे, मतलब ये कितना हुआ, ये आधे का भी क्या हो गया, आधा हो गया, मतलब 1/2 का भी 2 हो गया, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा बेटा 1/4 हो जाएगा। अरे ये क्या हो गया, सॉरी, ठीक है, ये साइड में लाइनें आ गई, इसको ध्यान में दीजिए, बस ये ध्यान दीजिएगा यहाँ जो हमने बातें की है, ये बात समझ में आई। चलिए अब इसी के रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बात करेंगे हम 5.1 पे। तो अब देखिए क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, ये देखो क्वेश्चन 1 कह रहा है राइट द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन, यानी जितना शेडेड पोर्शन है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो बच्चों थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसे रहा होगा और ऐसे रहा होगा। तो मेरे पास देखो कितने पोर्शन हैं, 1, 2, 3 और 4, तो इन 4 पोर्शन में से ये जो येलो वाले हैं ना वो प्रिंटेड है ना। तो देखो कितना पोर्शन कलर है, सर एक पोर्शन कलर है, कितने में से, आउट ऑफ 4 में से, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, सेम अगला क्वेश्चन भी देखो, जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो आपको ट्रायंगल्स कितने पार्ट हो गए, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, तो मैं ब्लू और येलो कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बच्चों किसकी बात करूँ, मैं बात करूँगा यहाँ से आपका, अरे ये लाइन कैसे ड्रॉ हो जा रही है, ठीक है, मैं यहाँ से बात करता हूँ बच्चों, चलो मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, 4 टोटल हमारे ट्रायंगल्स कितने, 4 हैं। अगर मैं सॉरी देखो, अगर मैं बात कर लेता हूँ किसका, मैं बात कर लेता हूँ ये येलो वाले का, किसकी बात मैं कर लेता हूँ, येलो का, तो येलो वाले में क्या हो जाएगा, देखो पार्ट ऑफ येलो, पार्ट ऑफ येलो, येलो वाला पार्ट कितना हो जाएगा, देखो येलो वाले पार्ट कितने हैं, 1, 2, 3, तो 3 कितने में से, 4 में से। ठीक है, और ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ब्लू वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये 1/4, क्योंकि ब्लू पार्ट 1 है। ठीक है, ऐसे ही सेम क्वेश्चंस को हमें करना है, इसकी बात की से। तो अब देखो यहाँ पे ये कट रहा है, एक ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, इसमें कितने पार्ट हो गए, 1, 2 और 3, तो यहाँ पे येलो वाला कितना पार्ट है, येलो पार्ट आपका 1 पार्ट है, कितने में से, 3 पार्ट में से, और ये जो ब्लू वाला पार्ट है
वो कितना है, ब्लू वाला 1 2 2 पार्ट है, कितने में से 3 में से, बस यही करना था क्वेश्चन में, कौन सा टफ है ये, है ना। चलो अब यहाँ देखो, अब आप देखो यहाँ पे, तो पहले टोटल काउंट करो, टोटल कितने ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 मैं नंबर लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अगर मैं इस 10 में येलो की बात करूँ, किसकी बात करूँ, येलो की, तो येलो कितने मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 कितने, 7 आउट ऑफ 10, बस 7 बाई 10, ठीक है। और यहाँ पे अगर ब्लू की बात करें, तो ब्लू देखो 1 2 3 कितने में से, 10 में से, ठीक। सेम यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ पे ट्रायंगल काउंट करना, देखिए तो ट्रायंगल काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं, 9। तो यहाँ पे अगर हम येलो की बात करें, तो येलो कितना है, 1 2 3 4 5 5 आउट ऑफ 9 5 बाई 9, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं यहाँ ब्लू की बात करूँ, तो ब्लू कितने हैं, 1 2 3 4 बिल्कुल 4 बाई 9, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सही, ये फ्लावर देखो, ये हमारे पास एक फ्लावर आ गया। अब फ्लावर में देखो पहले कितने, देखो कितनी पंखुड़ियाँ हैं, तो काउंट करो, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, 7, और ये कितना हो गया आपका, 8 हो गया। टोटल 8 पंखुड़ियाँ हैं, तो 8 में से अगर मैं बात करूँ येलो वाले की बात, तो येलो देखो कितना, 1 2 3 4 5, तो 5 बाई 8 की क्या हो गया आपका, येलो हो गया, 5 बाई 8 क्या हो गया आपका, येलो हो गया, ठीक है बेटा। दूसरी बात करूँ मैं ब्लू की बात, तो ब्लू आपको कितनी लाइन दिख रही है, बिल्कुल सही, कितनी, 3 1 2 और 3, तो 3 बाई 8 हो जाएगा ये, सो सिंपल, कुछ करना ही नहीं था इसमें, है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अब क्या कह रहा है इसमें, ये देखिएगा, कह रहा है सेडेड 4 बाई 9 ऑफ द गिवन फिगर, यानी इसमें से 4 बाई 9 पार्ट को कलर करना है। तो याद रखिएगा, ये जो डिनोमिनेटर होता है, ये जो डिनोमिनेटर होता है ये इंडिकेट करता है कि इसमें कितने बॉक्सेस होंगे, और ऊपर हमें कितने को कलर करना है। तो देखो ये मैंने बनाया था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 है, इस 9 में से मैं इस 4 को क्या करना है, कलर करना है, तो मैंने इस 4 को कलर कर दिया, बस आपको भी ऐसे ही बनाना है, ऐसे को क्या कर दिया, कलर कर दीजिएगा, बस बच्चों क्या कर दिया, कलर कर दिया, सो सिंपल हो गया हमारा काम। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ वी से दैट द शेडेड रीजन इज 1 बाई 4, देन आइडेंटिफाई द एरर इन फिगर। तो अब वो क्या कह रहा है, ऊपर जो फिगर है, थोड़ा सा आ जाओ ऊपर फिगर में, ऊपर जो फिगर है इसमें क्या करना है, इसमें 1 बाई 4 करना है, जो पॉसिबल ही नहीं है। 1 बाई 4 मतलब समझिएगा कि इसको आपको 1 बाई 4 करना है, यानी केवल 4 ही ऐसे फिगर है, नहीं भाई, तो इसमें टोटल 9 है, कितने हैं, टोटल 9 है, और यहाँ कितना दे रहा है, 4 दे रहा है, इसीलिए क्या है हमारे, ये एरर दे रहा है, क्या दे रहा है हमारे, एरर, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 5, अब समझना, राइट अ फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फ्रैक्शन लिखना है आपको, कैसे, 3/4, याद रखिएगा, अब समझिएगा, ये 3 है ना, तो 3 उसके बाद 4th बोला है, तो जैसे जैसे नंबर बोला जाए वैसे वैसे लिख दो, पहले बोला 3, पहले 3 लिख लो, फिर बोला है 4, इसके नीचे 4 लिख दो, और बीच में लाइन खींच दो, बस हो गया। फिर से करते हैं, ठीक है, 4 7 7 क्या पहले क्या बोला, 4, तो पहले लिखेंगे 4, फिर बोला 7th, तो इसके नीचे लिख देंगे 7, ठीक है। 2/5, तो पहले क्या बोला, पहले बोला 2 उसके बाद बोला 5th, बस 2/5 हो गया। 3/10, तो पहले क्या बोला, पहले बोला सर 3 उसके बाद 10, बस 3/10 हो गया। 1/8, तो पहले क्या बोला, 1 मतलब ये, 8 मतलब 8 हो गया। फिर बोला 5/6, 5 मतलब 5 हो गया, 6 मतलब क्या हो गया, 6 हो गया, 5/6, ठीक है, बात समझ में आई, बहुत सही। चलो कह रहा 8/9, तो पहले 8 हो गया उसके बाद 9 हो गया। फिर 7/12,
तो 7 का मतलब 7 हो गया, फिर उसके बाद 12th, बहुत इजी है कि नहीं, सिंपल सा था, हमने इसको कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, राइट डाउन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ इच ऑफ द फ्रैक्शंस गिवन बिलो। तो देखो बच्चों, मैंने आपको पहले बोला था, ये जो ऊपर वाला होता है ना, न्यूमिरेटर होता है, क्या होता है, न्यूमिरेटर, और जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है आपका, डिनोमिनेटर, क्या होता है नीचे वाला, डिनोमिनेटर होता है। जैसे यहाँ पे 4/9 है, तो 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका न्यूमिरेटर, और 9 क्या हो जाएगा आपका, डिनोमिनेटर। बोलो बात समझ में आया ना, इसी तरह ये आपका 6 हो गया आपका न्यूमिरेटर, 11 आपका डिनोमिनेटर, 8 आपका न्यूमिरेटर और 15 आपका डिनोमिनेटर। ठीक, आगे भी क्वेश्चन को ऐसे देख लेते हैं जो आगे वाले हैं। अब जैसे यहाँ पे दे रहे हैं 12/17, तो 12 क्या हो गया आपका न्यूमिरेटर, 17 क्या हो गया डिनोमिनेटर। 5/1, तो 5 क्या हो गया आपका न्यूमिरेटर, 1 क्या हो गया डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं, राइट डाउन द फ्रैक्शन इन विच न्यूमिनेटर इतना है, डिनोमिनेटर इतना है। तो अभी हमने देखा कि सर क्या होता है, ये आपका होता है न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमिनेटर कितना है 3, डिनोमिनेटर कितना 8, तो 3/8 हो गया, ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड का क्या हो जाएगा 5/7, 5/12 हो जाएगा। फिर थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड का 7/16 हो जाएगा, 7/16 हो जाएगा। फोर्थ का कितना हो जाएगा बेटा, फोर्थ का आपका 8/15 हो जाएगा। बस सिंपल है, सारी चीज़ें बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहा राइट डाउन द फ्रैक्शन नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, फ्रैक्शनल नंबर लिखना है आपको। अच्छा, फ्रैक्शनल नंबर मतलब क्या, कि सर 2/3 है ना, तो 2/3 हो जाए। जैसे वहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे आ जाओ और नीचे और नीचे और नीचे, ये राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फ्रैक्शंस के फॉर्म में, अब ये नंबर के फॉर्म में हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ 3/4 था, 4/7 था, तो अब वही यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम लिखेंगे 2/3, 2/3s। ठीक है, फिर ये क्या है 4/9, तो लिखेंगे हम 4/9th। फिर क्या है 2/5, 2/5, उसके बाद 7/10, तो ये हो जाएगा 7/10, उसके बाद 1/3, तो 1/3 लिखेंगे उसको, 1/3, उसके बाद 3/4 हो जाएगा, 3/4, 4th, उसके बाद 3/8, 3/8, 8th, उसके बाद 9/14, 9/14th, ओके, उसके बाद 5/11। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह सारी वैल्यू को हमें लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 24। अब समझो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 24। ठीक है, तो व्हाट कह रहा है, क्या फ्रैक्शन होगा एक आवर और 24 मिनट में। तो 24 मिनट को ऊपर रखो और आवर जो है आपका वो उसका नीचे, ये 24 मिनट हो गया और ये 1 आवर हो गया। ठीक है, तो पहले इस 1 आवर को मिनट में बदलो, तो हमें पता है सर ये 24 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 6 से डिवाइड करो, 6/4 = 24, 6/10 = 2/2 = 2/5 = तो कितना आ गया 2/5, कितना आ गया बेटा 2/5, बस यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर फ्रॉम 2 to 10। अच्छा, 2 से और 10 के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं, हाउ मेनी रेशनल नंबर आर देयर फ्रॉम 2, अच्छा 2 से लेके,
देखो नेचुरल नंबर की बात करें तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब के सब क्या है, ये सब के सब नेचुरल नंबर है बेटा नेचुरल नंबर है। अब कह रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द प्राइम नंबर। अच्छा अब इसमें प्राइम नंबर देखो कितने हैं, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर देखो बेटा पहले तो 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है और बस 7 है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 कितने प्राइम नंबर, 4। तो कह रहा है फ्रैक्शन बताइए, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देखो कितने प्राइम नंबर है, 4, कितने में से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से बस 4/9, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है ये कि डिटरमाइन 2/3 of 15। बेटे बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, देखो ये जो दे कह रहा है 2/3 of 15 यानी 15 का 2/3, कुछ नहीं करना, हमें पता है बोर्ड मास रूल से ये जो ऑफ का मतलब होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब 3 नीचे है, 3 × 1 = 3, 15 ऊपर है, 3 × 5 = 10, 15 सॉरी, तो हो गया 2 × 5 कितना आ गया, 10 आ गया। आपको बस यही करना है इसमें, ठीक है। हमने क्या किया, हमने 2/3 लिखा, ऑफ के जगह ऑफ किया 15, 2/3 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लिखा 15 कर दिया, 3 × 5 = 15 कट गया और 5 × 2 = 10 हो गया, ठीक है बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो इसका 2/3 of 27, तो फिर से वही 2/3 ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई और 27 और 3 × 9 = 27 और 2 × 9 कितना आ गया, 2 × 9 = 18। थर्ड वाला देखेंगे 2/3 of 36, तो हो जाएगा 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 36, 3 से डिवाइड करेंगे 12 में जाएगा, 12 × 3 = 36 और ये हो जाएगा 12 × 2, 12 × 2 कितना आ गया 24, तो इसका कितना हो जाएगा 24 बलून्स, कितना 24 बलून्स, ठीक है बच्चों। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 में, अब सेम वही चीज़ है, कह रहा है 3/4 of 16 cups, तो फिर से वही 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, 4×4 = 16 मतलब कितना आ गया 3×4 और 4×3 कितना होता है 12, तो कितना हो जाएगा 12 कप्स हो जाएगा, ठीक है कितना हो गया 12 कप्स। सेकंड वाला देखिए कह रहा 3/4 of 28 drachms, तो हो जाएगा 3/4 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 28, 7×4 = 28, 3×7 कितना आ गया 21 आ गया, ठीक है बच्चों। थर्ड देखिए 3/4 of 32 books सॉरी, तो हो जाएगा 3/4 ऑफ की जगह पे 32 और 3/8 होता है ना, सॉरी 4×8 = 32, तो 3×8 और 3/8 कितना होता है 24, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ है नहीं बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं नीलम हैज़ 25 पेंसिल्स, तो नीलम के पास कितनी पेंसिल्स है बच्चे, नीलम के पास 25 पेंसिल्स हैं, तो नीलम की बात कर ले तो नीलम के पास कितनी पेंसिल है, 25 पेंसिल्स हैं, ओके। सी गेव 4/5 ऑफ देम टू मीना, तो मीना को कितना दिया, मीना को दिया 4/5 of 25, है ना, जितना उसके पास था उसका 4/5 किसको दे दिया, मीना को दे दिया, ठीक है। तो अब देखो पहले देखिए मीना के पास कितना बचा, तो हो जाएगा 4/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये हो गया 5, 5×5 = 25 और 4×5 कितना हो गया, 4×5 = 20 आ गया, यानी 20 पेन किसको दे दिया, मीना को दे दिया, किसको दे दिया, मीना को दे दिया, 20 पेन मीना को दे दिया, ठीक है। अब कह रहा है हाउ मेनी पेंसिल डज मीना गेट, तो मीना को 20 पेन मिला, हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विद नीलम,
तो नॉर्मल सी बात है बच्चों, बताओ जरा सा कितना, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि 25 नीलम के पास था जिसमें से 20 उसने दे दिया, कितना बचा? बिल्कुल सही बच्चों, कितनी पेंसिल बची उसके पास? केवल और केवल 5 पेंसिल बचे। ठीक है, बहुत खूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्या कह रहे हैं, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन, यानी सबको किस पे रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पे। तो अब देखो बेटा, बहुत ईजी सा ही क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन बचा है, इस लास्ट क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन, मतलब ये जो आपको यहाँ पे फ्रैक्शन दिए हुए हैं ना, 3/8, 5/9, 4/7, 2/5, 1/4, इन सभी को कहाँ आपको रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पे। कहाँ पे बच्चों? नंबर लाइन पे। ठीक है, चलो एक और बात, अगर देखो इन सारे फ्रैक्शंस की हम बात करें, जैसे 3/8 हो गया, 5/9 हो गया, 4/7, 2/5, 1/4, तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके? ये सारे के सारे आपके प्रॉपर फ्रैक्शन हैं। क्या हैं आपके सारे के सारे? प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हम जानते हैं सर कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है? लेस देन वन। कितना होती है? लेस देन वन होती है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा इसको, जो हम करेंगे इसको अपने दिमाग में बैठा के चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंक का कलर क्या है थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, मज़ा आएगा। चलिए तो पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे 3/8 को। तो 3/8 को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन लेनी पड़ेगी। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मे बी थोड़ी लाइन मेरी टेढ़ी हो जाए, बट आप लोग की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, स्किल से खींचना। ठीक है, ये वाले को माना ज़ीरो, क्या माना? ज़ीरो। और फिर यहाँ पे मानना वन, क्योंकि हमें पता है कि जो 3/8 है उसकी वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो, और ज़ीरो से बड़ी और वन से छोटी। ठीक है, तो ये इसी के बीच में ही लाई करेगा। अब देखो क्या करेंगे, 3/8 रिप्रेजेंट करना है तो हमें देखना है कि सर इसका डिनोमिनेटर कितना है। जितना डिनोमिनेटर होगा उससे एक कम यहाँ पे लाइन कर देना, या फिर जितना डिनोमिनेटर होगा उतने इसके पार्ट कर देने हैं। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर 8 है ना, तो इसके 8 पार्ट कर दो। मतलब देखो, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, 5, 6, 7 और 8 पार्ट। देखो 8 पार्ट हो गया इसका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अरे अधिक हो गया। ठीक है, एक्स्ट्रा हो गया तो हम थोड़ा सा एक इरेज कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया, 8 नहीं, टोटल 8 पार्ट होने चाहिए। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। देखो ये हो गया पहला पार्ट, 1 पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट और ये 8 पार्ट हो गया ना। अब जो नंबर लिखेंगे इसको लिखेंगे 1/8, इसे लिखेंगे 2/8, इसे लिखेंगे 3/8 और ये आपका 4/8, ये आपका 5/8, ये आपका 6/8, ये आपका 7/8 और ये जो नंबर होता है ये होता है 8/8 और जहाँ पे क्या होता है कट के कितना जाता है? 1। ठीक है, तो 1 आपका ऑलरेडी यहाँ पे है। तो बच्चों करना क्या है, यहाँ से ऐसे उठेंगे, ऐसे चलेंगे और कहाँ पे आके आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे और यही वैल्यू क्या है आपका? 3/8, यही आपसे पूछ रहा था। तो बोलो है ना इजी, बहुत आराम से आपने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, तो मज़ा आ गया ना? बिल्कुल बच्चों, तो जल्दी से आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अगला देखो क्या रिप्रेजेंट करना है आपको, 5/9, क्या रिप्रेजेंट करना है? 5/9। तो 5/9 रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आप क्या मानोगे? 0 और यहाँ पे आप क्या मानोगे? 1। डिनोमिनेटर देखो 5/9, जितना डिनोमिनेटर होगा उतने पोर्शन इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 पार्ट, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ठीक है, टोटल देखिए 1, 2, 3,
फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन, जितना डिनोमिनेटर उतने उसके पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन बाई नाइन, टू बाई नाइन, थ्री बाई नाइन, फोर बाई नाइन, फाइव बाई नाइन, सिक्स बाई नाइन, सेवन बाई नाइन, एट बाई नाइन और बस नाइन बाई नाइन का वैल्यू वन हो गया। क्या रिप्रेजेंट करना है आपको, आपको फाइव बाई नाइन रिप्रेजेंट करना है। क्या रिप्रेजेंट करना है, फाइव बाई नाइन। तो यहाँ से आप ऐसे उठेंगे और आप जाएंगे यहाँ तक और यहाँ पे आ जाएंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, फाइव बाई नाइन। तो ये आपका हो गया फाइव बाई नाइन। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आया ना, बिल्कुल बहुत खूब। तो चलो जल्दी से फोर बाई सेवन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अगला क्या है आपका, थर्ड फोर बाई सेवन। तो फोर बाई सेवन को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले फिर से एक स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलेंगे ज़ीरो, इसको हम बोलेंगे वन। फोर बाई सेवन, अच्छा एक और तरीका बताओ, जितना डिनोमिनेटर है ना उससे एक कम लाइन खींचना। देखो दिखाते हो कैसे, डिनोमिनेटर कितना है सेवन, आपको लाइन कितनी खींचनी है सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बस हो गया सेवन पार्ट हो गए। दिखाऊं, देखो ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठवां और ये सातवां, हो गया ना बेटा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा वन बाई सेवन, टू बाई सेवन, थ्री बाई सेवन, ये हो गया आपका फोर बाई सेवन, ये आपका फाइव बाई सेवन और ये आपका सिक्स बाई सेवन। ठीक है, आपको रिप्रेजेंट क्या करना है, आपको फोर बाई सेवन। तो देखो फोर बाई सेवन कहाँ है, तो यहाँ से अपनी यात्रा आप स्टार्ट करिए, ऐसे चलते जाइए चलते जाइए और जैसे आपको फोर बाई सेवन दिखे वहीं पर आ जाइए। तो ये जो आपका आ गया, ये क्या आ गया आपका फोर बाई सेवन, क्या आ गया ये आपका फोर बाई सेवन, बस सो सिंपल। ठीक है, अगला देखते हैं, है बहुत इजी, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। अगला टू बाई फाइव, टू बाई फाइव। तो टू बाई फाइव के लिए पहले फिर से एक स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे मानेंगे ज़ीरो और यहाँ पे मानेंगे वन। टू बाई फाइव, डिनोमिनेटर कितना फाइव, तो लाइन कितनी खींचनी पड़ेगी, केवल और केवल फोर लाइन। देखो वन टू थ्री फोर, बस काम हो गया। ये आपका वन बाई फाइव हो गया, ये आपका टू बाई फाइव हो गया, ये आपका थ्री बाई फाइव हो गया, अभी आपका फोर बाई फाइव। अच्छा एक बात आपके मन में आ रहा होगा, सर केवल जब टू बाई फाइव ही लिखा हुआ है तो इतना सारा लिखने की क्या ज़रूरत, बच्चों कर देना अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टू बाई फाइव दिखाना है, तो ये आ गया और यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, टू बाई फाइव। ठीक, तो आई होप बच्चों अब अगला क्वेश्चन जो है वन बाई फोर आप कर सकते हैं, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग माई वीडियोज़। ठीक है, अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तो अगली वीडियो आप लोगों को जल्दी ही अवेलेबल में करा दूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ नाइस डे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और इसको शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, अपना ख्याल रखना, लव यू ऑल।